जैस्मिन तू शांत हो जा, नैनू कोई गलत फहमी हुई, मैं गल कर लूं। वैसे जैस्मिन मैनू इदा लग रहा है कि फुलां दे विच जहर वाली गल दे विच ना सानू दोवां नू फसाया जा रहा है। ते जो भी बंदा सानू फसाण दी कोशिश कर रहा है ना वो इस चाल दे विच आप ही फसता जा रहा है। या तो फुलां दे विच जहर तुसी दिवांश जी नू मारन दे लई पाया या फिर मैं तुहानू मारन दे लई। पर यह भी तो हो सकता है ना कि जहर पाया किसी तीजे बंदे ने होए सानू दोवां नू फसाण दी कोशिश दे विच। ओ शट अप नयन, मैनू तेरी ये ना बकवास सुनन दे विच कोई इंटरेस्ट नहीं है। फुला च जहर सुन सुन के ना मैं पूरी तरह अक गई हां, मैं बस अपने घर जाना चाहनी हां। मैनू पता है तुसी इस घर नू छड के जाना चाहंदे हो, पर जिथे इन्ना टाइम रुके उथे थोड़ा टाइम होर सही, बैठो चाह पानी पियो फिर चले जाइयो। थोड़ी देर होर रुक जा, मतलब की हो जाएगा थोड़ी देर, कोई आने वाला है कि? जैस्मिन थानू किवें पता, किते तुसी तां नहीं मेरे तरह आने वाली घटनावां दे दृश्य वेख सकदे। जिहड़ा थानू पहले ही पता लग गया घर च कोई आने वाला है। नयन कौन आने वाला है? जो भी आने वाला है ना ओहदे आने तो बाद दुध दा दुध ते पानी दा पानी हो जाएगा। बस फिर उस तो बाद सारे दे सवालों दे जवाब उन्हां नूं अपने आप ही मिल जाएंगे। कौन आ रहा है नैन? पुलिस कांस्टेबल इत्थे क्यों आया? ते शमशेर जी ने की गल कर रहा है? ओहो उन्हें इस लिफाफे च केड़ा राज है? नैन लैब रिपोर्ट आ गई है। नैन हुण तक मैनू इन्नी वार बचाण लई थैंक यू। And I'm sorry, मैं हुण तक तेरे नाल बहुत गलत कीता। ना नैन ना, हुण तैनूं रोण दी कोई लोड़ नहीं है। मैं हुण तो तेरियां अखां च एक भी हंजू नहीं वेखना चाहुंदा। वीर जी लगता है थोड़े ते भाभी का जादू पूरी तरह चल गया। जैस्मिन नाम है मेरा, मैं भी इतनी आसानी नाल हार नहीं मनांगी। मैं ऐसी बाजी पलटांगी कि नैन जित के भी हारिया होया महसूस करेगी। जैस्मिन उनके नवा तमाशा कर रही है, की साबित करने की कोशिश कर रही है? यही गल मैनू नहीं समझ आ रही देवांश जी, इन्हां दे नाल तो वह गल हो रही है जदों बिल्ली बंदरां दे हत्थों रोटी खो के लै जांदी है उदों बंदर इदां ही लड़दे हैं। बंद कर अपनी बकवास, हुण मैं तेरी किसी भी गल ते यकीन नहीं करन वाला। फड़े जाण तों बाद हर अपराधी इदां ही बोलदा है, अपना इल्जाम दूसरे ते लाने की कोशिश करता है। ते जे इस वेले तू पुलिस स्टेशन च हुंदी ना तां कांस्टेबल ने तेरे दो लानियां सी ते तेरा मुंह उत्थे ही बंद हो जाना सी। अंकल जी जेकर अज मैं तुहानू दस दिता ना
के बिग ब्रो आज तक थोड़े नाल की कीता है ता थोड़े पैर थल्यो जमीन की सिक जाए जैस्मिन बकवास बंद कर बिना मतलब कुछ भी ना बोली जा केड़ा सच जैस्मिन मैंनु पता है कि बिग ब्रो ने किसे नु मारन लियो जहर लेके आई से ते मैंनु लगता है कि ये वही पॉइजन है ये तू की कह रही है जैस्मिन विक्की ने किन्नू मारन लिए उस जहर का इस्तेमाल किया बोलो जैस्मिन किन्नू मारन के लिए जहर का इस्तेमाल किया गया सी जवाब दो किन्नू मारन लिए इस्तेमाल किया गया सी वो जहर सहज नू मारन लिए क्या प्रो सहज पाबी नू मारन ली उस स्लो पॉइजन का इस्तेमाल किया अच्छा हे विक्की जड़ा दुनिया का सब तो वड्डा आशिक बनिया फिरदा सी असल च अपनी घरवाली का यही कुनी है मजनू बनिया मर्डरर संभालो अपने आप जैस्मिन तू पागल तो नहीं हो गई ये तू की बोली जा रही है अपना मुंह बंद कर क्यों मुंह बंद कर अपना हूं मैं चुप नहीं रहूंगी तुसी एक तो बाद एक पाप कर दे जाओ तो मैं कुछ बोला भी ना तो अपनी बकवास बंद कर तेनू अंदाजा भी है तू की कह रही है अंकल जी जेकर तो हानू मेरी गल ते यकीन नहीं है ना तो पूछो अपने लाडले जवाई नू कहो ना इनू कि तुहाडी अखा च अखा पाके इस गल दा जवाब दे जैस्मिन मैं आखिरी बार कह रहा हूं जो बोलना सोच समझ के बोल जैस्मिन ये तो की बोली जा रही है अपनी बकवास बंद कर नहीं हूं मैं तुहाडे तो डरन वाली नहीं है इन्हें टाइम तक तुसी मेनू डरा धमका के चुप करवाई रखा पर हुण तुहाडियां गलतियां दा भार ना मैं होर नहीं चुक सकदी अज तक मैं इस करके चुप रही क्योंकि मैनू डर सी कि जिद्दा ब्रो ने सहज भाभी नू मारिया इदां ही किते मैनू ना मार दे इसे गिल्ट च मारती रही कि मेरी प्यारी सहज पाबी दा हथियारा कोई होर नहीं बल्कि मेरा अपना भरा है पर आज तुहानू सब नू ये सब कुछ दस के ना मेरे मन दा भार हल्का हो गया पता नहीं क्यों पर मैनू जैस्मिन दी कही किसे भी गल ते यकीन नहीं हो रहा जैस्मिन ए तू की बोली जा रही सबने सामने अपना मुंह बंद कर तेनू समझ क्यों नहीं आ रहा अपना मुंह बंद कर विक्की मैं अपने भरा वालों कीती गई गलती नू लैके बहुत शर्मिंदा जैस्मिन थोड़िया सारिया गल्ला मनी
पर फिर तुसी उस दिन हॉस्पिटल दे विचों जहर वाली बॉटल नूं छुपाने लई इन्ने बेचैन क्यों हो रहे सी? Excuse me, ये बोतल किस दी है? ये बोतल साढ़े चो किसे दी नहीं है, तुसी इन्हू डस्टबिन च सुट दी। तुसी ये बोतल नू अपना कहन तो मना क्यों किता? हाँ जैस्मिन, आज तेनू जवाब देना पड़ेगा। मैनू पता सी नैन कि तू मेरे तो ये सवाल जरूर पूछेंगी। माफ करना ब्रो, मैनू हुन सपनू सच दसना पड़ेगा। तुहानू सबनू जान के हैरानी होएगी कि उस दिन जब मेरे डैड अब्रॉड तो वापस आए सी तो मैं उही पर्स लेके उन्हें मिलने लिए जा रही सी जिस तो पॉइजन की बॉटल सी। बोलो चुप क्यों खड़े हो? जवाब दो, सारे थोड़े जवाब दे इंतजार कर रहे ने, बोलो दसो सब नु सच की है। जैस्मिन नु बचाने लई मेनू एक मर्डर ते दूजा अटेम्प्ट टू मर्डर दा इल्जाम अपने सर लेना ही पड़ेगा। तुसी अपनी भैन दे सिर ते हाथ रख के कसम खाओ कि तुसी मेनू जेल नहीं जान दियोगे। इस सब के पीछे सिर्फ तो सिर्फ मेरा ही हाथ है। बिग ब्रो ने सब कुछ कबूल करके चंगा ही किया, इन्हू कहते ने परफेक्ट एंडिंग। छी छी छी, किद्दा दे आदमी हो तुसी? तुसी अपनी ही भैन दा घर उजाड़न दी साजिश रच रहे सी, उपरो तुसी अपनी ही वाइफ नूं सिर्फ पैसे वाली मार दिता। शर्म आनी चाहिदी है तुहानूं। मैनूं लगदा सानूं कल्ले विक्की नूं दोष नहीं देना चाहिए। क्योंकि मैं पूरे यकीन नाल कह सकदी विक्की इह काम कल्ला नहीं कर सकदा। वो जैस्मिन नूं बचाउण दी कोशिश कर रहा। ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਲੁਕਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੁਝ ਛੁਪਾ ਰਿਹਾ। ਵਿੱਕੀ ਹਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸੱਚ ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਜੈਸਮੀਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। क्योंकि मैं चंगी तरह जानती हूं कि तुसी सिर्फ जैस्मिन नू बचाने दे लई उहदे गुनाह भी अपने सिर लै रहे हो। नैन तू फिकर ना कर, हुण जो करनगे शमशीर जी करनगे। नहीं देवांश जी, जे जैस्मिन नू सजा ना होई तां इह विक्की दे नाल भी धक्का होएगा। तू एक खूनी दी भैन है ते कोई वड्डी गल नहीं, ओ साजिश च भी तू ओदे नाल ही रही होवे। बेहतर होएगा तू इत्थों चली जा। जे मैं इस घर तो चली गई तो राजवीर दा विल वाला प्लान अगे वधाना मुश्किल हो जाएगा, ते मैं इस घर तो अपनी मर्जी नाल जाना चाहती सी। इस नयन तो बेइज्जत होके नहीं। मैं तो पहले दिन तो ही नैन भाभी नूं अपनी भाभी मन लिया सी। मेरा बस चलदा तो मैं कदों दा तैनूं इस घर चो बाहर कढ दिंदा। तू तो वैसे भी इस घर तो जाना चाहती सी ना। वो तो नैन ने तैनूं ऐ कह के रोक दिता सी, जदों तक फुल्लां दे विच जहर पान वाला गुनाहगार फड़िया नहीं जांदा उदों तक तैनूं इजाजत नहीं है इस घर तो बाहर जाण दी। पर अज ओह दिन आ गया है। मामा जी,
तुसी मेरी आखरी उम्मीद हो, घटो घट तुसी तो मैनू इत्थे रोक लो। जे मैं जैस्मीन दा साथ दिता ना तो सारे घर वाले मेरे खिलाफ हो जाएंगे। अज पंपी भी तेरा साथ नहीं देगा क्योंकि उन्हें भी पता है कि यह साडे परिवार का मुद्दा है। दिवांश मैं तो हानू दिलों अपना मान दिया, घटो घट तुसी तो कुछ बोलो। अलका बुआ भी यही चाहती सी ना कि मैं इस घर तो किते ना जावा। मैनु लगता है कि जित गई नयन? ना ना ना, ये तेरी बहुत वड्डी गलत फहमी है क्योंकि ये खेल तू नहीं बल्कि मैं खत्म करांगी। ते खेल तेरी हार दे नाल खत्म होएगा। मैं वापस आवांगी अपना बदला लैन ली ते अपनी जित हासिल करने। तेनू मेरी गल मजाक लग रही है? हस, जिन्ना हसना है हसले, क्योंकि जदों मैं वापस आवांगी ना तेरिया इन्हां अखां चों खून दे हंजू कढ़ावांगी ते तैनू सिर्फ मौत ते तकलीफ दी सजा दवांगी। मैनू तेरे वापस आने दा इंतजार रहेगा जैस्मिन। अज तां तैनू तेरे भरा ने बचा लिया पर अगली बार कौन बचाएगा? आखिर किन्नी देर तक इदा ही बचती रहेंगी जैस्मिन? कदे ना कदे तो तेरे पापा का भुगतान तेनू करना ही पाएगा ना। ते नाले जदों तेरा दिल करे ना उदों वापिस आ जी, उदों तेनू बचाण वाला कोई नहीं होएगा। इस तो पहला मम्मी जी पापा जी नुकसान पहुंचा मैनू उन्हां नू रोकना पएगा। नयन, आज तक लोग तेनू मेरे नाम नाल जानदे सी पर आज तो बाद लोग मैनू तेरे नाम नाल जानदे। आज तो मेरा नाम देवांश खुराना नहीं, देवांश नयन खुराना होगा। वाव, हाउ रोमांटिक। चल नयन, हुन देवांश वीर जी ने एक टाइट हग दे दे। देर नाल ही सही पर मैनू इस गल की खुशी है तेनू तेरा प्यार मिल गया। दिवांश, तेनू एक गल दसू, मैं बहुत लकी है कि तेनू नैन वर्गी कुड़ी मिली है।
अजे मेरी लड़ाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई। जो तक मैं मम्मी जी रोक नहीं लेंदी, उदो तक पापा जी की जान खतरे च ही है। चलो इंज करो, तुसी उन दोनों जाके आराम कर लो। जदों दे तुसी हॉस्पिटल तो आए हो, तुसी रेस्ट बिल्कुल नहीं कीता। नहीं दारची, मैनू अजे आराम की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हाँ। नयन, तू कदे अपनी सेहत बारे भी सोच लिया कर। तू तो ठीक है, पर तेरे शरीर नू रेस्ट की लोड़ है। बिल्कुल करेक्ट, सारा टाइम बस काम काम काम, बॉडी नू भी तो आराम चाहिए है ना। इसीलिए कह रहे हैं जाके आराम कर ले। मैनू ना एक बहुत जरूरी काम है, उस तो बाद आराम कर लांगी। दारची, मैं कहा सी ना, ऐ तेरे काम कदे नहीं मुक्कणगे। देवांश, ऐ इदा नहीं मनेगी, इनू जबरदस्ती रेस्ट करवाना पड़ेगा। तुसी बिल्कुल ठीक कह रहे हो चाची, इन्हें इदा नहीं सुनना। देवांश जी, चल हूं। हाय, बिल्कुल रोमियो जूलियट लग रहे ने। नयन, नयन मजाक कर रहे थे मैं। नयन दिल जी, तुसी किथे हो? मैं दुबई च। दुबई च फ्लाइट दा बहुत हॉल्ट है, मौसम दी खराबी करके ना फ्लाइट दुबई च लैंड होई है। इन्हां ने होटल च रूम दिता है, पता नहीं होर इत्थे किन्ना टाइम लगेगा। उत्थे की चल रहा है? तुहानू पता, इत्थे नैन ने जैस्मीन नू। तुसी ते विक्की इस घर तो उदों तक नहीं जा सकते जब तक सच्चाई सब दे सामने नहीं आ जाती। नैन दा शक बिल्कुल सही है, उस बोतल विच जहर सी। ब्रो, मैं कहा सी ना कि मैं उस बोतल नू नहीं रख सकती, ते तुसी क्या सी के मैनू डरन दी कोई लोड़ नहीं है। मैनू पता है कि बिग ब्रो ने किसे नू मारन लिए उस जहर लेके आई सी। विक्की ने किन्नू मारन लिए उस जहर दा इस्तेमाल कीता है? सहज नू मारन लिए। हाँ, ऐसा मैं ही कहता हूँ। तुसी मेरे को 2 मिनट मंगे सी ना कल्या रहन दे लई, हुण 2 मिनट नहीं, पूरी जिंदगी थानू कल्या ही रहना। पर इत्थे नहीं, किते होर। न्यान ना होगी, रब होगी, जिनू वेखो न्यान न्यान न्यान। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुसी दीदी जी, इन्ना सारिया घरद्या ने ना इस नयन नू कुछ ज्यादा ही सिर चढ़ा लिया, इसे करके ना यह नयन अपने आप नू हुण इस घर की महारानी समझ लग पई है। एक तो मेरी फ्लाइट भी कैनेडा नहीं पहुंच रही, पता नहीं होर कितनी देर इतने रुकना पेगा। दीदी जी, जे तुसी इदां लेट होंदे रहे ना ते तुसी जीजा जी नूं टाइम सिर ना मार सके ते साडा सारा प्लान फेल हो जाना है, ते उत्तों उस जीजा जी अलका नूं सारा कुछ दस देना ते साडा भांडा फुट जाना। इस करके तुसी जल्दी जाओ ते जीजा जी नूं खत्म करो। हुण मौत ते मैनूं राजवीर तक पहुंचण लई कोई नहीं रोक सकदा। उस जीजा जी अलका नूं सारा कुछ दस देना ते साडा भांडा फुट जाना, इस करके तुसी जल्दी जाओ ते जीजा जी नूं खत्म करो। पापा जी नूं कनेडा भेज ता दित्ता, पर हजे भी उहनां दी जान खतरे च, मैनूं कुछ करना पएगा। ते वास जी कह रहे सी कि अलका भूआ जी कनेडा पहुंच चुके होणगे, मैनूं उहनां नाल गल करनी पएगी। बुआ जी, बुआ जी दे नाल गल होगी, टेंशन वाली कोई गल नहीं।
ओ नकुल, तू बजा बजा कितो आ रहे? नाले डॉक्टर भी होने अंदर गया, अंदर चल की रहे? ओ मामा जी, चल नहीं रहा, बल्कि रुक गए ने। साह है? ओ तो आटे तक खाले तेरी खबर नहीं पहुंची? ओ केड़ी खबर किधे साह? ओ मामा जी, डैड दी डेथ हो गया। एक्सीडेंट भी चुना दी, गेम ओवर। मैनू तक कितनी फोन आया सी, खुशी च भजदा भजदा मैं इत्थे आया। लै भाई भांजिया, इस वारी तां रब ने ना साडी नेड़े हो के सुनी। तैनू पता है मैं हुणे दीदी जी दे नाल हुणे जीजा जी नू मारन दी गल कर रहा सी, ते जीजा जी चले गए। ओहो हो हो हो, मैं दीदी जी नू हुणे फोन करके दसदा कि उन्हां नू जीजा जी दे कोल जाण दी लोड़ नहीं है हुण, ठीक है? जीजा जी तो चले गए। पंपी दा फोन? हाँ पंपी, तानू हुण राजवीर को जान दी कोई लोड़ नहीं, तुसी सीधा दुबई तो घर ही आ जाओ, क्योंकि जीजा जी तो हुण स्वर्ग चले गए। की पंपी तू सच कह रहे? समझ नहीं आ रहा कि सिर्फ ओदे गलत फैसले करके अज भाजी साडे विचकार नहीं रहे। तुसी नैन पापी ते इदां इल्जाम नहीं ला सकते। नैन पापी ने किन्नी वार डैड दी जान बचाई सी, मैं तां ये भी जानदा। तुसी ये सब अपने दिलों नहीं कह रहे, बस एक खबर सुन के थोड़ा दिल दुखिया, वरना इस घर च थोड़े तो ज्यादा नैन पापी नूं कोई नहीं जानदा। मैं कुछ नहीं सुनना सहदेव, जे दाद जी चाहन के कि नैन दे नाल गल करनी है तां ही मैं नैन नूं गल करन दांगी, नहीं तां नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि दाजी तबीयत होर खराब हो जाए। दर्ज थोड़े के हाथ जोड़ दिया, एक बार मेरी गल सुन लो, फिर जिन्हें कहोगे मैं कर लांगी, प्लीज। शगन, किट्टी, सहदेव, तुसी ते नजर बाहर जाओ। दर्जी थोड़ी तबीयत खराब है और मैं नहीं चाहती तुसी कोई होर टेंशन लो। मैं कह रहा ना जाओ, मेरी फिक्र ना करो, मैं अपने आप नूं संभाल सकदा। नयन, दाजी तो बे पहले ही बहुत खराब है, इस करके उन्होंने सामने कोई भी इतना दी गल ना करी जिद नाल उन्होंने टेंशन होर ज्यादा हो जाए या उन्होंने तबीयत होर ज्यादा खराब हो जाए। तेरे अगे हाथ जोड़ दिया। नैन, बोल जल्दी, की कहना है? पापा जी सानू छड़ के कितने नहीं गए, वो बुआ जी के नाल ने बिल्कुल ठीक था। ए नयन, दार जी ना की गल्ला कर रही? दिवांश, मैं ठीक हाँ। डैड नू देखो, डैड नू कुछ नहीं होना चाहिए सहदेव। दिवांश खड़ा हो। डैड नू कुछ नहीं होना चाहिए। दिवांश होश जा, डैड इस दुनिया च नहीं रहे। खबरदार, जे इदा दी गल अपने मुंहों ही कड्डी दा। मेरे डैड इहनू दसे बगैर किते नहीं जा सकदे। दिवांश और रब कोले चले गए, उन्होंने नहीं आना। तू तू क्यों नहीं समझ रहे? ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੀਰ ਜੀ ਹਲੇ ਸ਼ੌਕ ਚ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਰੋਇਆ ਨਾ ਇਹਨੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਡ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਨਕਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਵਾਂਸ਼, जिस दुनिया विच नहीं रहे।
और यही सच है, जितनी जल्दी हो सके सच नू मान ले। रोल है दिवांश, जिन्ना दुख तेरे अंदर है ना सारा इन्ना हंजुआ नाल बार बहा दे। की रह गया मेरे को? ये सब उस नयन करके होया ना, वो की लोड़ सी उन्हें इन्ना बड़ा फैसला लेने दी। तेनु उदियां गल्लां जाके डैड नु कैनेडा नहीं सी भेजना चाहिए था। ना तू ओदी गल सुनता, ना तू डैड नु कैनेडा भेजता, ते ना डैड नु एक्सीडेंट। पर तेन तो ओते भरोसा ही बहुत है ना, उन्हें बिना सोचे जो किया जो बोलिया तू मन लिया, देख ला नतीजा। तेनु ओदियां गल्लां जाके डैड नु भेजना नहीं सी चाहिए। जे तू ना भेजता ना डैड साढ़े नाल होंदे। रो लेंदे नु, सब इदी कीती गलती करके ही होया, घट्टो घट इनू अपनी गलती दा पछतावा ता होया। चल किट्टी, असी भराजी दे भोग दी तैयारियां करनियां, असी इदे वांग इत्थे बह के रो नहीं सकते। चल चुप हो जा, खड़ी हो तो मेरे ना अंदर चल, हूं रोना नहीं है। एक मिनट नैन पुत्र, तेनू मेरी कसम जान तो पहले साड़ी गल तो सुनती जा। साडे कोलों बहुत वड्डी नहीं, इत्थे कुछ भी बोलना ठीक नहीं होएगा। नैन पुत्र मैं माफ कर दे, मेरे को बहुत वड्डी गलती हो गई है। मैं गुस्से च तेनू बहुत माड़ा मुरा बोल दिता है। नहीं दार जी, तुसी क्यों माफी मांग रहे हो? जी गलती मैं कीती है ते माफी भी मैंने मंगनी पेगी। मैं सब कुछ सुन के भी तेरिया गल्लां ते यकीन नहीं कीता, पर मैं करदा भी की प्यो आ ना। पुत्र की मौत की खबर सुन के मैं लुकिया। इसलिए कहते ने दार जी, जुबानों निकली गल ते कमानों निकलिया तीर, कदे वापिस नहीं मुड़ते।